दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे मॉडल के हेयर केमिकल ट्रीटमेंट करने से इनके बाल बहुत डैमेज हो चुके हैं, तो आज इस डैमेज बालों को हम रिपेयर करने वाले हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट से। और ये देखिए इनके बालों के ग्रे हेयर, इनके अराउंड से लाइक 40% तक ग्रे हेयर भी है, और इस ग्रे हेयर को भी आज हम कवर करने वाले हैं, यानी आज हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट के साथ कलर ट्रीटमेंट भी करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वो है ब्राजीलियन हेडटेक का बोटॉक्स का प्रोडक्ट, इसे हम टैनिनो बोटॉक्स भी प्रोडक्ट कहते हैं, और ये आपके बालों को रिपेयर भी करता है प्लस 70-80% तक स्ट्रेट भी करता है। तो पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट के हेयर को वॉश करना है और फिर उसे 100% ड्राई करके ये प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करना है, और ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है और रूट्स को हल्का सा छोड़ के लगाना है, और अच्छी तरह इमल्सीफाई भी करना है, और इमल्सीफाई होने के बाद उस पर आपको कोम भी घुमाने ताकि प्रोडक्ट सारे बालों पर अच्छी तरह लग जाए। और याद रखिए आपको प्रोडक्ट लगाते वक्त सेक्शन छोटे छोटे लेने हैं, यानी बड़े बड़े सेक्शन लेके आपको प्रोडक्ट नहीं लगाना, आपको छोटे छोटे सेक्शन लेके प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करना है। और याद रखिए जैसे मैंने कहा आपको रूट से हल्का सा छोड़कर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करना है, और जैसे ही आपका प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है आपको ये प्रोडक्ट बालों पर रखना है लाइक अराउंड 60 मिनट तक, और आपको ये शॉवर कैप से कवर कर ये प्रोडक्ट बालों पर, याद रखिए 60 मिनट तक रखना है। और जैसे ही आपके 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं आपको बालों को ड्राई करना है, याद रखिए आपको बालों को मीडियम हीट पर 100% ड्राई करके स्ट्रेट ब्रो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्रो ड्राई होने के बाद आपको पतले पतले सेक्शन लेके अच्छी तरह आयनिंग करनी है, और जो आपका आयनिंग का टेम्परेचर होगा वो आपके हेयर के कंडीशन के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पर हमारे मॉडल के बाल बहुत ज़्यादा भी डैमेज नहीं, इसलिए हमने 220 डिग्री का टेम्परेचर रखा है। और यहाँ पर याद रखिए आपकी जो रिपीटेशन होगी, यानी आइनिंग की जो रिपीटेशन होगी वो अराउंड से लाइक 10-15 times होगी, और जैसे ही आपकी आइनिंग भी कंप्लीट हो जाती है आपको से लाइक अराउंड 5 मिनट्स तक वेट करना है। और दोस्तों ये देखिए आइनिंग होने के बाद इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट का रिजल्ट, इसके बाद हम बालों को अच्छी तरह रिंस आउट करेंगे, और फिर आपको प्लेन वाटर से, याद रखिए प्लेन वाटर से बालों को रिंस करना है, और जो प्लेन वाटर होगा ये थोड़ा सा गुनगुना लेना है, आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेके बालों को अच्छी तरह वॉश करना है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको शैम्पू और कंडीशनर नहीं लगाना, सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करना है, क्योंकि इसके बाद हमें एक्चुअल कलर का एप्लीकेशन करना है। वॉश होने के बाद आपको बालों को 100% ड्राई करना है। दोस्तों अब हम ग्रे कवरेज करने वाले हैं, और ग्रे कवरेज के लिए हमने जो कलर यूज़ किया है वो है वेला ब्रांड का 33/0, और ये कलर हम करने वाले हैं सिर्फ 13 वॉल्यूम डेवलपर के साथ, क्योंकि हमारे क्लाइंट के बाल थोड़े से सेंसिटिव है, तो इस बालों पर हम 13 वॉल्यूम के साथ कलर करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा जो कलर और डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:1, यानी दोनों इक्वल, यानी 10 ग्राम अगर मैं कलर लेता हूँ तो आपको 10 ग्राम डेवलपर लेना है। बाकी कलर का एप्लीकेशन आपको किस तरह से करना है वो आपको पहले से पता होगा, तो यहाँ पर हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और कलर का एप्लीकेशन होने के बाद आपको अराउंड आधे घंटे तक वेट करना है फॉर प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद आपको अच्छी तरह बालों को वॉश करना है, कंडीशनर करना है, और फिर उसके बाद मैं आपको इस ट्रीटमेंट का फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करूंगा, यानी बालों को अच्छी तरह ड्राई करने के बाद आपको इस ट्रीटमेंट का फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करता हूं। और दोस्तों ये देखिए इस ट्रीटमेंट का फाइनल रिजल्ट, यानी बोटॉक्स और कलर के बाद का फाइनल रिजल्ट। आई होप दोस्तों आपको ये रिजल्ट ज़रूर पसंद आया होगा, अगर हाँ दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।